नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म पैडमैन के तमाम पोस्टर और एक टीजर के बाद शुक्रवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के बारे में लगातार हो रही चर्चा से यह साफ हो गया था कि फिल्म असल जिंदगी के हीरो अरुणाचलम मुरुगनाथम की कहानी है, जिन्होंने महिलाओं के लिए पैड मेकिंग मशीन बनाई थी। अमिताभ बच्चन ट्रेलर में सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि अमेरिका के पास सुपरमैन है, बैटमैन है और स्पाइडरमैन है, लेकिन इंडिया के पास पैडमैन है। फिल्म के ट्रेलर के पैडमैन को अक्षय कुमार की तुलना सुपर हीरो से की गई है। ट्रेलर के बैकग्राउंड में लगातार एक थीम सॉन्ग भी चलती रहती है, जिसके बोल हैं सुपर हीरो पैडमैन, सुपर हीरो पैडमैन। तो अक्षय का किरदार जब सैनिटरी नैपकिन बनाने से पहले नैपकिन को खुद का प्रयोग करता है, एक कॉलेज की में लेक्चर के दौरान जब अक्षय कहता है कि आपको लगता है कि मैं पागल हूँ, पागल आदमी ही फेमस बनता है, बड़े और मजबूत आदमी से देश स्ट्रांग नहीं बनता, बल्कि देश की महिला माँ और बहन मजबूत होंगी तो देश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसे डायलॉग और आपको चोट कर देने वाले सीन्स भी हैं। राधिका आप्टे फिल्म में अक्षय की पत्नी और सोनम कपूर एक दोस्त के रूप में समाज सेविका की भूमिका में हैं। एक सीन में अक्षय कहते हैं कि यदि औरतों की तरह मर्दों के साथ भी मासिक धर्म होता और उसके दौरान ब्लीडिंग होती तो मर्द इस तरह का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते और यह दम तोड़ देते हैं। पैडमैन ट्विंकल खन्ना और गौरी शिंदे की प्रोड्यूसर वेंचर है। यह एक बायोपिक फिल्म है जो रियल लाइफ हीरो अरुणाचलम मुरुगनाथम पर आधारित है। उन्होंने महिलाओं के लिए पैड मेकिंग मशीन बनाई ताकि उनके सस्ते दाम पर सैनिटरी पे नैपकिन मिल सके। डायरेक्टर आर बाल्की की इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा सोनम कपूर और राधिका आप्टे भी मुख्य भूमिका में हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी कैमियो रोल है। पैडमैन 26 जनवरी को 2018 में रिलीज होने वाली है। ओवरऑल इस फिल्म के रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए यह फिल्म भी अक्षय कुमार का 100 का आंकड़ा पार जरूर करेगी। 100 करोड़ तो कन्फर्म है, क्योंकि टॉयलेट एक प्रेम कथा, काफ़ी ऐसी फिल्में वो समाज को प्रदान कर रहे हैं जिससे काफ़ी फायदा हो रहा है। तो इस तरह से हमें अक्षय जी को बेस्ट ऑफ लक फॉर 26 जनवरी। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो।